गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ हम रात में आ गए थे मैक्लोडगंज के इस धर्मकोट वाले अपने प्रॉपर्टी पे, और ये हमें बैंक बेड मिले हुए हैं जहाँ पे पीछे ये अनुज जी बैठा हुआ है। इस तरीके का बंक बेड है रूम के अंदर, एंड पीछे से व्यू जो है वो कुछ इस तरीके का है। ये हमें व्यू मिल रहा है पीछे से, और फ्रंट से व्यू कुछ ऐसा है। इधर से अगर आप देखेंगे तो फ्रंट से जो व्यू है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। ये पूरा वैली व्यू है इधर, एंड देन ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं वैली है विद ग्रीन वैली, एंड नीचे ये आपका सारा का सारा बाइक पार्किंग स्पॉट है पूरा, यहाँ पे बाइक्स खड़ी हुई हैं। एंड दिस रोड, अरे बहुत स्टीप रोड है यार, रात में यहाँ से चढ़ाने में उतारने में अच्छी खासी वाट लगी है, बहुत अच्छी खासी वाट लगी है। अभी तक तो ये है कि बहुत थकान थी रात को, मतलब सारे के सारे जो है वो इतना थक चुके थे कि आई थिंक लेटने के बाद एक या दो मिनट के अंदर सब लोग सो गए, तो उससे ज़्यादा देर कोई रुका नहीं था। एंड देन अभी हमने सुबह उठ कर ब्रेकफास्ट कर लिया है, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर उसके बाद अब हम गाड़ी आ गई। कौन सी ये सामने? अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। तो अभी के लिए ये है कि हम यहाँ पे जो हैं वो आज हम बाइकिंग यहाँ से नहीं कर रहे हैं, तो वी प्लान कि भी हम बाइक को ऐसी छोड़ के थोड़ा सा साइट सीइंग करेंगे, तो कुछ पैदल की साइट सीइंग होगी। उसके लिए हमने एक कैब यहाँ से कर ली है, तो कैब के अंदर जाएंगे और कैब से हम साइट सीइंग करेंगे, एंड देन कल हम दिल्ली के लिए वापसी निकलेंगे यहाँ से मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। तो तब तक के लिए हम रेडी हो जाते हैं, और रेडी होकर फिर उसके बाद अभी वो ये बताने आए थे कि गाड़ी आ गई है और वो यहीं लग जाएगी और उस पर ही बैठ के जाएंगे। गाड़ी आ गई है अनुज, गाड़ी आ गई। हम बस मतलब अभी तो वो रेडी हो रहे हैं, तो गाड़ी हमारी ये नीचे आ गई है, इसी गाड़ी से अपना ये नीचे जो ये अभी अभी गाड़ी आई है ये वाली जो ऊपर जा रही है यही गाड़ी है, इसी में बैठ के हम अपना घूमने निकलेंगे। इटियास है, लंबी गाड़ी है, और इसी में हम अपना घूमने निकलेंगे, और फिर एक एक पॉइंट पे आपको दिखाएंगे कि कहाँ सा पॉइंट कहाँ है, कैसे है और क्या उसमें चीज़ें आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी आपसे। हमारी जो साइट सीइंग है वो शुरू हो चुकी है, और इस साइट सीइंग के अंदर हमारा जो पहला पॉइंट है ये है एको पार्क बनोई, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है एको पार्क बनोई धर्मशाला में, जिसके टिकट्स भी हैं एडल्ट के 25, चाइल्ड के 10 और फॉरनर्स के 100। अभी तो मेरी तरफ था, अभी मेरी तरफ था, अब आपकी तरफ कर देता हूँ। ये तो इनको तो आप जानते ही हैं, पहचानते ही हैं, इमली दियो जी, द इमली दियो जी। इनको तो आप जानते ही हैं, इनको भी शायद जानते होंगे, पहचानते होंगे। हेलो जी। और ये हैं आकांक्षा, तो इनसे आप पहली बार मिल रहे हैं। कल फर्स्ट टाइम मिले हैं। तो अभी फिर हम चार लोग हैं जो कि साइट सीइंग के लिए निकल चुके हैं, बाकी सब अपने अपने उस पर हैं। ये बना है उस तरीके से रखा है लिटरली, मतलब पूरा गार्डन, हाँ देख लिए, ये पूरा कान के हिसाब से, और ये पूरा मतलब विंडो में कान बना रखा है, ऊपर जानवर वगैरह भी बना रखे हैं, मतलब अच्छा बना रखा है ये। ओक ट्रेल कहाँ कहाँ लेके जाएंगे? ओक ट्रेल, वुडन ब्रिजेस, व्यू पॉइंट, योगा पॉइंट, सेक्शन ऑफ मैमल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेक्शन ऑफ फेजेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, ये बहुत बढ़िया बना रखा है। तो देखो भालू, अनुज भालू वालू सब है यहाँ पे। तो ये अगेन लास्ट में हमने ट्रैकिंग दिखाई थी यहाँ पे हल्की फुल्की सी,
ये ट्रैकिंग है जिसको देख के अभी डर नहीं लग रहा है। और ये ऊपर यहाँ पे कुछ जानवर वगैरह भी बना रखे हैं। और ये हाँ वही मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल चलेंगे जी, बिल्कुल चलेंगे। आप चलो, मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ बाद में। आप चलो, मैं यहाँ से वीडियो बनाता हूँ। तो ये पूरा सेक्शन दिया हुआ है इधर से, और यहाँ से ये वुडन ब्रिज चालू होता है। और बैन ने चलना शुरू कर दिया है, आप वेव भी करते रहो। और यहाँ से ये वुडन ब्रिज पे जाके ऐसे ऐसे जाएंगी, और ये उस वाले पे सेक्शन में जाएंगी। थोड़ा हिलो, कूदो, अब ये अनुज ने चलना शुरू किया है। चलो चलो चलो, मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे। ये सीढ़ियों की चौड़ाई बहुत कम है, सीढ़ियों की चौड़ाई बहुत कम है। ओनली 3 to 4 पर्सन ऑन ए ब्रिज एट ए टाइम, 3 से 4 लोग ही जानने हैं। तो थ्री टू फोर, मैं तो पतला सा हूँ, मैं तो आधे में आता हूँ ना। अब आया मजा, अब आ रहा है ना मजा, थोड़ा सा थोड़ा सा। आप कैमरे में भी देख लो। कूदो, अनुज भी जाम होके खड़ा हो गया, कह रहा मैं नहीं हिलना। अभी ज्यादा हो रहा है। अब चलो चलो पीछे। हाँ बढ़िया है, ये फुल जंगल मजा आ गया। अनु टारजा बन जाओ। ये इस तरीके की ट्रेल है, वुडन ट्रेल, और ऐसे उस पे जंप किया। और इस पे हम ये देखिए पूरा हिल रहे हैं। मैंने तो पकड़ा ही नहीं है अभी तक रस्सी को। बैल करिए, मैं एक बार और करूंगी। और ये इसके चारों तरफ देवदार के पेड़। नहीं टू वे नहीं है, होना तो सिंगल वे, वन वे ही होना चाहिए। अच्छा एक और है। एक और भी है। अच्छा चलो 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 चलो, मजा आएगा। तो अभी हमने खाली पहला पड़ाव पार किया है, अब ये सेकंड वाला जो ट्रेल है। अरे अरे कहाँ भागे जा रहे, रुको। इसकी कीले तक निकल गई है, इसका नटवट निकल गया आराम से आधा।
तो भाई साहब ये पूरा पूरा झूल रहा है। ये वाला थोड़ा सा पहले के मुकाबले जो था वो ज़्यादा लचीला बना रखा है। ये वाला उसके मुकाबले ज्यादा लचीला है ना। हाँ नहीं, इसमें एक्चुअली लकड़ियों में से नट निकल रहे हैं। इधर से भी ये तीसरा है, दो के बाद ही अभी तीसरा आया है और इस पर अभी और लोग चलते हुए आ रहे हैं। इधर से ये आकांक्षा जी चलती हुई आ रही हैं। हाँ रॉन्ग साइड में हमेशा ऐसे होता है। बेटा कूदते हुए आते हैं, कूदते हुए ऐसे सीधा सीधा नहीं चलना है। चलो जी चलो, अब हमारी बारी। ये इनकी इमली अभी तक चल रही है, खत्म हो गई। मेरी दूसरी है। अच्छा। और मैं देसी बॉब्स को ये फीडबैक देना चाहूंगी कि ये आम वाली ना बनाया करें, बहुत खराब है। इमली वाली फिर भी अच्छी है, आम वाली ज्यादा अच्छी नहीं है। गुआवा वाली भी अच्छी है, क्योंकि उसमें ना वो है। नहीं, एक चिली ऑरेंज वाली है मेरे पास, चिली ऑरेंज साथ चिली मिला रखी है उसमें। गुआवा मुझे अच्छा लगा। गुआवा वो रेड गुआवा होगा, वो रेड गुआवा थोड़ा चिली फ्लेवर में होता ना। हाँ चिली चिली। अब ये इस तरीके की हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल ट्रैकिंग है और ये बहुत ऊपर तक जा रही है। ये देखो, हेलो, ये देखो इतनी ऊपर तक गई है। फोन की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि मेरा ये कैमरा ऑन रहेगा। ओके, तो फिर मैं ना ये रखवा देती हूं। कौन हो रही है इसमें? हां, वजन ज्यादा हो रहा होगा। हां मस्त है, कहते हैं कंफर्टेबल और स्किड भी नहीं हो रही। ग्रिप वाली वो है ना कि मतलब पैर बाहर निकलता है ना आगे चलने में। हां ऐसा ये है ना नीचे, इसकी इसमें भी ठीक है, रबड़ है। नीचे ग्रिप है, नीचे ग्रिप है, पैर आगे तो नहीं जा रहा, पैर नहीं फिसलता। चढ़ लोगे? ये ना दस जाती है। फिर ये हम वो फुल जंगलों में से होते हुए जा रहे हैं। प्रॉपर जंगल है ये, आगे हमें शेर भालू चीते कोई भी जानवरों का सामना हो सकता है। जंगली भेड़िए वो भी पैक में आएंगे, वो पैक में यार, लकड़ बग्गे सियार, लकड़ बग्गे। और कोई जानवर बचा है? इंसान हम वो तो घूम ही रहे हैं, भालू। वो तो हाँ भालू वो तो हम जानवर हैं, हम तो घूम ही रहे हैं। ये देखिए पेड़ पे पूरा मौसम भी है। क्या इसमें ऊपर चर्च है? क्या है इसमें चर्चा ऊपर? अनुज क्या है चर्चा ऊपर? क्या है देव की कॉल आ रही है मेरे पास जी। देव ब्रो,
हाँ जी हाय, अभी तो हम यहाँ कहीं जंगल वंगल में आए हैं किसी में। चढ़ चढ़ चढ़, ये एको पार्क है, एको पार्क है। हाँ तो 15 मिनट पहले आपको मैसेज कर दूंगा भाई। 30 मिनट पहले, ठीक है, 30 मिनट्स डन। ओके 30 मिनट्स डन, ठीक है, ठीक है भाई। नहीं उधर से रास्ता बंद है। हाँ आगे से रास्ता बंद है, तो जहाँ हम जा रहे थे हमें टर्न होना पड़ा है क्योंकि वहाँ पे रास्ता बंद है। यही तो वो सूखी पत्तियाँ हैं जो आग लगने का कारण बनती हैं, पर ये देवदार की है, ये इतनी ज़्यादा वो नहीं होती। भाई वो पत्थर पत्थर यहीं के लेके जाते हैं उनके लिए, अश्विनी मैम के लिए कहते ना पत्थर पत्थर ला देना। पत्थर नहीं है यहाँ पे। नहीं ये देखो मैडम, ये वही है मेकअप वाले पत्थर, नहीं है ये वही है, देखो नहीं है वो, नहीं है ये मेकअप वाला पत्थर, नहीं है वो, तो शाइनी ग्रीन था। हाँ वो शाइनी ग्रीन था, और हाथ में लगते ही हाथ में ग्लिटर छोड़ रहा। ये इस तरीके का है जो ये घर में मार्बल वार्बल लगते हैं ना, देखो जो ये दीवारों पे मार्बल वगैरह लगाते हैं। ये भी शाइनी है थोड़ा। हाँ ये रहा ना, देखो ये दिख रहा है ना, ये ब्लू है। हाँ ये ब्लूइश में है ये, उतना ब्रिटल नहीं, उसे तो छूते से टूट रहा। अरे वो तो ग्लिटरिंग हाथ में आ रही थी उसकी, तो साफ दिख रहा था वो तो। तो भाई ये भी शाइनी है, ये अलग तरीके का शाइनी है, वैसा वाला मार्बल है ये जो घरों के बाहर लगा देते हैं। तो यहाँ से आगे भी तो रास्ता है शायद, लोग तो मेरे लेकिन आगे भी तो जा रहा है ट्रेल, एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। नहीं यहाँ से कहाँ आए हैं हम, तो वो रस्सी से, रस्सी के सारे आए ना हम तो उससे। ओके वही होगा फिर वो। हाँ हाँ ऐसे रहना, डन। तो अब ये यहाँ से हम ट्रैक का रास्ता पकड़ेंगे, ये वाला, ये तो इसका बोल्ट टंग गया, वो निकल गया, इस तरीके का क्लिप होता है ये वाला, वो बैग में होगा वो। हाँ तो लगाओ ना, ये तो निकला हुआ है, गिर जाएगा ये। वो देखो ऊपर कैसे पहाड़ वहाड़ पे जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, इस पहाड़ पे तो फोटो खिंचवानी चाहिए। इस पहाड़ पे तो फोटो खिंचवानी चाहिए, देखो ये रहा अनुज, ये रहा, ये देखो, ये रहा, ये रहा, देखो ये रहा, शाइनिंग है, शाइनिंग, ये देखो, ये लगा लो ना, ये तो निकल जाएगा। ओके चलो जी, तो ये देखिए ये ऊपर पहुंच गए हैं, ये अनुज चढ़ रहे हैं और मैं नीचे अभी खड़ा हूँ, चढ़ना तो मुझे भी चाहिए, तो मैं भी 360 डिग्री का व्यू बनाते हुए ऊपर चढ़ूंगा। ये इस तरीके का ट्रैक है और ये हम खतरों के खिलाड़ी, यहाँ से चढ़ के आए, ये रहा। गाइस हेलो हेलो हेलो, राम राम तारण है। आज हमारा धर्मशाला का पहला दिन और हम आए हैं इको पार्क। गाइस यहाँ पर 25 रुपये का टिकट है, जबकि हमको 100 रुपये का पड़ा क्योंकि हम चार लोग हैं, जो कि हमें कैलकुलेट करके 100 रुपये का पड़ा है।